गुड मॉर्निंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कंपनी लॉ की सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी लॉ, जिसके अंतर्गत आपकी ये फिफ्थ वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अंश क्या है, अंश की परिभाषा देखेंगे, इसके प्रकार और आवंटन की प्रक्रिया भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से। तो पहले परिचय, तो अंश होते क्या हैं, अंश क्या होते हैं। नॉर्मली हम इसको शेयर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शेयर से आप ज़्यादा परिचित हो, कंपनी द्वारा अपने शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है। शेयर्स एक क्या है, कंपनी के लिए पूंजी या पैसा एकत्रित करने का, जिससे वो कंपनी को रन करेंगे, चलाएंगे, एक स्रोत होता है, ठीक है, जिसको हम अंश के रूप में देखते हैं। और विभिन्न प्रकार की कंपनियां इस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करती हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा 284 के अनुसार अंश के बारे में कहा गया है कि अंश से कंपनी का अंश पूंजी में, कंपनी का अंश पूंजी में अंश अभिप्रेत है, यानी कंपनी के पास जितनी भी अंश पूंजी होती है उसके अंशों से ही इसका आशय है, अंश से, ठीक है। और इसके अंतर्गत स्टॉक भी शामिल है, ये परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। इसमें जो लिंडले हैं उनके अनुसार कहा गया है कि किसी कंपनी का अंश कंपनी पूंजी के किसी कंपनी का अंश जो कंपनी पूंजी निश्चित अंशों की संख्या है उसी से अभिव्यक्त होता है, ठीक है। उनके ऐसा यही है कि कंपनी का अंश कंपनी पूंजी के निश्चित जितने भी अंश हैं उसी से आशय अंशों से या शेयर से लगाया जा सकता है। अब अंशों के प्रकार देख लेते हैं हम यहाँ पर। तीसरा पॉइंट अपना यह है अंशों के प्रकार। तो सबसे पहले अंशों में आता है इक्विटी अंश, ठीक है। इक्विटी अंश को हम सामान्य अंश भी कहते हैं। इक्विटी अंश को क्या कहते हैं, सामान्य अंश भी कहा जाता है। और ये जो अंश होते हैं, ये अधिमानी जो अंश होते हैं, इनके अलावा जितने अंश हैं वो सामान्य साधारण अंश या इक्विटी अंश कहलाते हैं। अब इस चीज पर हम एक विशेष ध्यान दें इक्विटी अंशों पे, कि देखिए जितने भी अंशधारी होते हैं, जितने भी अंशधारी होते हैं, तो जब कोई भी कंपनी लाभ प्राप्त करती है और उसमें जो लाभांश बचता है, सभी खर्चे कटौतियां करके जो लाभांश बचता है, लाभ का अंश, लाभांश बचता है, तो इसका सबसे पहले संदाय किया जाता है अधिमानी अंशधारियों को। अधिमानी अंशधारियों को इस लाभांश का संदाय किया जाता है। इसके बाद जो लाभांश बच जाता है तब इक्विटी अंशधारियों को इसका संदाय किया जाता है। और इस लाभांश की कितनी राशि इन इक्विटी अंशधारियों को संदाय की जाएगी ये भी निश्चित नहीं है, ये जो कंपनी का निदेशक होता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसको हम इक्विटी अंश भी बोलते हैं। और अंश इक्विटी अंशधारियों की ये जो अनुपात है लाभांश का, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये एक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो जिसको हम इक्विटी अंश कहते हैं, इसको नॉर्मली साधारण अंश भी कहा जाता है। नंबर दो पर देख लेते हैं अधिमानी अंश। यानी अधिमानी अंश वे होते हैं जिनका लाभांश में जो दर है वो निश्चित निश्चित रहती है, कि इनको इतना प्रतिशत इसका लाभ मिलेगा, जो भी लाभांश रहेगा कंपनी में। तो और सबसे पहले लाभांश पाने वाले पृथक प्रथम अंशधारी माने जाते हैं, कि सबसे पहले लाभांश अगर किसी को प्राप्त होगा तो अंश जो अधिमानी अंशधारी है उनको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज है अधिमानी अंश के अंतर्गत। अब ये अधिमानी अंशों भी कई प्रकार बताए हैं इसमें, अधिमानी जो अंश हैं उनके भी कई प्रकार हैं, वो टाइप्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले हैं संचयी एवं असंचयी, संचयी एवं असंचयी। तो संचयी अंशधारी और असंचयी अंशधारी क्या है, संचयी अंशधारी और असंचयी। यानी संचयी का मतलब ये है कि मान के चलो कोई कंपनी को किसी विशेष वर्ष में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, किसी विशेष वर्ष में लाभ प्राप्त नहीं होता है, जिससे लाभांश भी इनको नहीं दिया जा सकता इन संचयी अंशधारियों को। तो इनका एक तरह से जो लाभांश है वो अगले वर्षों के लिए या आने वाली वर्षों के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है, कहते हैं ना, संचित का मतलब एकत्रित कर दिया जाता है, कि आपको इस वर्ष कोई लाभ प्राप्त नहीं है, अगले वर्ष में या आने वाले वर्षों को लाभ आपको दे दिया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं संचयी अंश। यानी जो अंश स्थगित किए जा सके अगले आगामी वर्षों के लिए भुगतान के लिए, कि आपको अगली बार भुगतान कर दिया जाएगा, तो उनको बोलते हैं संचयी। और ऐसे अंश जिन्हें एक तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता, अगर इस वर्ष में किसी कंपनी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, उसके जो लाभांश हैं वो अगले वर्षों के लिए भुगतान नहीं किया जा सकते या स्थगित नहीं किया जा सकते, उन्हें संकलित नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं असंचयी, असंचयी अंश कहलाते हैं। भागीदारी और अभागीदारी अंश क्या कहलाते हैं, भागीदारी या अभागीदारी। देखिए जब कोई भी कंपनी में लाभ प्राप्त होते हैं तो लाभ प्राप्त होने के बाद जो लाभांश बचता है, जितनी काट करके सभी अपने खर्चा पानी, जो भी उनकी सैलरी वगैरह कर्मचारियों की, तो जो लाभांश बचता है, जो
लाभांश बचता है वो अंश जितने भी उसको बांट देने के बाद, जितने उसके संचयी अधिमानी अंशधारी होते हैं उनको बांटने के बाद, या और अन्य भी लोग होते हैं जो उसमें अंश में उसको कंपनी में अपने शेयर दे चुके हैं उनको बांट करके, या कंपनी का अगर समापन होता है तब जो पैसा बचता है, तो उसके बाद पहले तो लाभांशधारियों को पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है जो भागीदारी होते हैं कंपनी में उनको दिया जाता है। तो जिनको दिया जाता है ये लाभांश अंश बच जाने के बाद उनको तो बोलते हैं भागीदारी अंशधारी, और जिनको और लाभांश के बाद ही पैसा बचना जिन पर पैसा नहीं दिया जाता उनको बोलते हैं अभागीदारी अंशधारी। ठीक है, तो ये अधिमानी में भी टाइप है इसके, नॉर्मल सी इतनी समझ लो बस, कि जब लाभ 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 होता है किसी कंपनी को, उसमें भी जब लाभांश बचता है, लाभ का अंश बचता है, तो अंशधारियों को देने के बाद पैसा फिर भी पैसा बच जाता है वो भागीदारी अंशधारियों को दिया जाता है जो कंपनी में भागीदार हैं, और जो नहीं दिया जाता वो अभागीदार में आ जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं टाइप। मोचनीय एवं अमोचनीय। मोचनीय अंश क्या होते हैं, मोचनीय अधिमानी अंश क्या होते हैं, कि अंशों की जो राशि होती है, अंशों की जो राशि होती है, अगर कोई इसे प्राप्त करना चाहता है, अंशों की राशि को प्राप्त करना चाहता है, कि आप अंश खरीदने के लिए जिसने जितनी राशि दी, अगर उसको कोई प्राप्त करना चाहता है, तो अगर कंपनी में इस प्रकार के उपपन्न को उसे दे दिया जाए, तो वह मोचनीय मोचनीय अधिमानी अंश कहलाते हैं, उनको उनको जो राशि ली है उसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर अंशों का जो मूल्य है, जो राशि प्राप्त की, अगर उसको संदाय नहीं किया जाएगा, यानी उसको देने का प्रावधान ना हो अनुच्छेदों में कंपनी के में, तो उसको बोलते हैं अमोचनीय अमोचनीय अधिमानी अंश। ठीक है, तो ये मोचनीय और अमोचनीय होते हैं। परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील क्या होते हैं, यानी ये अधिमानी अंश जो होते हैं, परिवर्तनशील अधिमानी अंश, अगर इसको सामान्य अंशों में परिवर्तित कर दिया जाए, तब तो इनको परिवर्तनशील अधिमानी अंश कहलाए जाते हैं ये। और अगर इनको सामान्य अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सामान्य अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इनको, तब इनको अपरिवर्तनशील अधिमानी अंश कहते हैं। ठीक है, अन्य अंशों के प्रकार है उनको भी देख लेते हैं, अंशों में अदर टाइप के अंश हैं उनको क्या क्या है। तो विलंबित अंश कौन से कहलाते हैं, कि जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, कौन प्रमोटर्स यानी प्रवर्तक प्रवर्तक होते हैं, तो प्रमोटर्स को प्रमोशन के लिए जो अंश या लाभ दिया जाता है कंपनी द्वारा, वो विलक्षण अंश के अंतर्गत आते हैं, या कमीशन के रूप में दिया जाता है, या कंपनी द्वारा कुछ ऐसे लोगों को निर्धारित किया जाता है जो मौखिक मौखिक रूप से कंपनी का प्रमोशन करते हैं, या एक विक्रेता कहलाते हैं, तो उनको जो अंश दिया दिया जाता है वो विलंबित अंश कहलाए जाते हैं। ठीक है, बोनस अंश क्या होते हैं, बोनस अंश वो होते हैं कि कंपनी द्वारा जब लाभ प्राप्त किया जाता है, कंपनी द्वारा जब लाभ प्राप्त कर दिया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि लाभ लाभ प्राप्त करने पर जो लाभांश की रकम है अंशधारियों के देने के बाद भी कुछ पैसा अगर बच जाता है, कुछ राशि अगर बच जाती है, तो वो जो राशि है वो अंशधारियों को ही वितरित कर दी जाती है, जितने भी अंशधारी होते हैं उनको इस राशि को ही वितरित कर दिया जाता है, लेकिन वो बोनस के रूप में वितरित की जाती है, इसलिए इसको बोनस अंश कहा जाता है, यानी अंशों में भी उसको और लाभ बोनस के रूप में। ठीक है, तो ये बोनस अंश के अंतर्गत आते हैं। स्वीट इक्विटी अंश क्या है, स्वीट इक्विटी अंश क्या है, यानी ये ऐसे अंश हैं जिनको डिस्काउंट पर दिया जाता है, यानी ऐसे अंश होते हैं जिनको डिस्काउंट करके उनको जारी कर दिया जाता है, उनको स्वीट इक्विटी अंश कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए एक तरह से स्वीट स्वीट किस तरह के लोगों के लिए ये फायदा डिस्काउंट के अंदर दिए जाते हैं इसको, इसलिए स्वीट इक्विटी अंश इनको कहा जाता है। अब अपना फोर्थ पॉइंट है अपना आवंटन की प्रक्रिया, यानी जो अंशों का आवंटन है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से अंश आवंटित किए जाते हैं। तो आवंटन प्रक्रिया धारा 39 में बताया गया है कि आवंटन में प्रावधान यह है कि, यानी जो व्यक्ति अंश क्रय करना चाहता है, जो व्यक्ति अंश क्रय करना चाहता है उसे कंपनी को आवेदन करना होगा। जो व्यक्ति अंश क्रय करना चाहता है तो पहले क्या होगा, उसको कंपनी को आवेदन करना होगा, और जब आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तब यह आवंटन कहलाता है। सबसे पहले तो यह है कि कोई व्यक्ति अगर अंश खरीदना चाहता है तो उसे आवेदन करना होगा, कंपनी को आवेदन करना होगा। अब अगर ये आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तब ये आवंटन कहलाता है, क्योंकि स्वीकार करने पर कंपनी द्वारा अंश आवंटित कर दिए जाते हैं, अगर अस्वीकार कर लिया जाएगा तो आवंटन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन आवंटन भी जब होता है तो आवंटन में कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो बातें क्या उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। तो सामान्यतः नॉर्मली जो आवेदन है वो लिखित होना चाहिए,
लेकिन कभी कभी ये मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, आवंटन कैसा होना चाहिए? लिखित लेकिन मौखिक भी हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि ये शर्तों के अधीन होना चाहिए। आवेदन जो होता है वो कंपनी की जो शर्तें हैं उनके अधीन किया जाना चाहिए, और अगर जो आवेदन है शर्तों के अधीन नहीं हुआ तो उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन में आवंटन के लिए ये जरूरी है। ठीक है, और ये जो आवंटन है वो निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी होगी। और संगम अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था हो जिससे आवंटन किया जा सके, यानी आवंटन की प्रक्रिया की व्यवस्था हो। ठीक है, और जो आवंटन है वो युक्ति युक्त समय के भीतर कर दिया जाना चाहिए, यानी जो भी कंपनी द्वारा समय निर्धारित कर दिया जाए कि आवेदन इस समय सीमा में होंगे और इस समय सीमा में इसका आवंटन हो जाएगा, तो ये समय सीमा निर्धारित की जाएगी वो एक युक्ति युक्त समय सीमा के अंदर अंतर्गत ये प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो आवेदक होता है उसको आवंटन की सूचना प्राप्त कर दी जानी चाहिए। तो ये कुछ अनिवार्य या ध्यान रखने योग्य बातें हैं आवंटन के लिए। अब आवंटन की पांचवा पॉइंट अपना आवंटन की अनिवार्य शर्तें। आवंटन की अनिवार्य शर्तें, तो आवंटन की अनिवार्य शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त है निर्धारित न्यूनतम राशि का संदाय अनिवार्य, यानी कंपनी द्वारा अगर अंशों का आवंटन किया जा रहा है तो अंशों में जो भी निर्धारित न्यूनतम निर्धारित राशि की जाएगी कि आपको पहले इतनी न्यूनतम राशि आपको संदाय करनी पड़ेगी, तो उस न्यूनतम राशि का संदाय करना आवश्यक है आवंटन के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा। दूसरा पॉइंट है आवेदन पर प्रतिभूति की न्यूनतम 5% राशि या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट राशि का राशि संदेय होगी, यानी आवंटन जब होगा तो जो अंश है अंश की न्यूनतम 5% राशि होनी चाहिए या बोर्ड द्वारा जो भी निर्धारित राशि की गई है उसका संदेय कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है अंशों के आवंटन को वितरण रजिस्ट्रार में फाइल किया जाना चाहिए, यानी अंशों का जो भी आवंटन हो रहा है उसका वितरण किस प्रकार का कैसा है वो जो रजिस्ट्रार होता है उसमें उसको फाइल किया जाना चाहिए, उसकी डिटेल दी जानी चाहिए। अब ये रजिस्ट्रार में किस किस चीज़ों का विवरण दिया जाएगा वो चीज़ें क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो पहले अंशों की संख्या दी जानी चाहिए। ठीक है, जो रजिस्ट्रार है उसके फाइल में ये होना चाहिए कि अंश कितने हैं, उनको कितनों का विवरण वितरण आवंटन किया जा रहा है, तो अंशों की संख्या दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अंशों का जो अंकित मूल्य हो उसको बताना चाहिए। ठीक है, उसमें विवरण में पूरा के अंशों का जो मूल्य है उसको भी बताना चाहिए। व्यक्तियों का विवरण होना चाहिए जिसमें व्यक्ति का नाम पता उसकी जितनी भी डिटेल कंपनी की जरूरत है उस चीज़ की वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए फाइल में। ठीक है, अंशों की कितनी राशि भुगतान कर दी गई उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर नकदी के अलावा अन्य किसी रूप में भुगतान किया गया तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, उसका मूल्य लिखा हुआ आना चाहिए। यदि बोनस अंश हो उसका वितरण किस प्रकार से किया गया उसकी भी डिटेल होनी चाहिए। डिस्काउंट अंश का अगर आवंटन किया है तो उसकी भी डिटेल इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कुछ आवंटन की अनिवार्य शर्तें थी। हाँ, इसके बाद लास्ट में अपना सिक्स्थ पॉइंट है अपना अंश आवंटन प्रमाण पत्र। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती हैं तो धारा 46 में ये प्रावधान किया गया है कंपनी द्वारा जो लोगों को अंश दिया जा रहा है तो उन अंशधारियों को एक अंशों के आवंटन पर अंश प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जो लोगों के पास एक साक्ष्य के रूप में रहता है अंश प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू।